90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या है टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इकट्ठे लेके चलते दोनों साइड अपने साइन 90 माइनस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा को क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा आगे फॉर्मूले राइट कर देना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इधर है क्या आपके पास कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टेन टू क्या वैल्यू करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक को वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन वन कॉस से वन कॉस गया क्या रह गया इधर क्या साइन थीटा इनटू कॉस थीटा किस साइड में क्या बच गया साइन थीटा और टू कॉस स्क्वायर था वन कॉस कैंसिल हो गया क्या रहेगा कॉस थीटा दोनों साइड क्या आई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ये आपको क्या करना था प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल वन प्रूव करना है आपने। अब इसमें वन लेकर तो लेफ्ट हैंड साइड में ही चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन टेन को क्या लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। देखो sin से sin कैंसिल हो गया रेसिप्रोकल हो गया cos का cos का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा cos इनटू cos cos square theta plus sin square theta identity होती है sin square plus cos square की वैल्यू क्या होती है 1 और यही आपके क्या है राइट हैंड साइड फॉर्मूले राइट कर देना cos 90 minus theta sin theta और सेकंड आइडेंटिटी आपने क्या लिया है cos square plus sin square equal 1 दोनों आइडेंटिटी राइट कर देना जाके। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं इसकी 10 90 माइनस थीटा इनटू 4 थीटा अपॉन कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या प्रूफ करना है 0 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 4 थीटा इनटू 4 थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चेंज कर लें कोट इनटू कोट क्या आ गया कोट स्क्वायर हो जाएगा मींस कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे लिख लो जो अपॉन में ये कोसेक स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम से एलसीएम कैंसिल डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो गए तो क्या बच गया कोस का थीटा माइनस कोस का थीटा कोस के में से कोस का गया 0 और ये आपके क्या है राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट पर्सन कर दें इसके अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा देखते हैं sin स्क्वायर थीटा तो cos 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे sin थीटा cos sin 90 माइनस को cos थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा को cos थीटा देखो sin देंगे ना अपने cos को दे करते हैं ऊपर आ गया sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos को क्या करेंगे cos का थीटा अपॉन sin स्क्वायर देंगे cos अपॉन sin थीटा रेसिप्रोकल कर दो sin थीटा इनटू cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा cos से cos कैंसिल sin इनटू sin क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और जो आप लिखे हैं राइट हैंड साइड एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम जाकर हम पढ़ने लग गए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं सीधी sin theta cos 90 minus theta cos theta upon sec 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta sin theta upon cosec theta sin into cos ले कर है चेंज कर दो sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस क्या होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा cos 90 माइनस और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cosec थीटा दोनों में कोसेक क्या आ गया एलसीएम आ जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा प्लस कोस का थीटा इनटू साइन थीटा साइन इनटू कोस साइन इनटू कोस फॉर्म ले लेते हैं इसमें से साइन थीटा इनटू कोस थीटा तो यहां से बचेगा sin theta plus cos theta upon cosec theta कोई ना प्रॉब्लम है बेटे इस क्वेश्चन में चेक करना मैंने चेंज करवाया हुआ है क्या आपको क्वेश्चन में cosec theta लिखा है इसको cosec 90 माइनस theta कर दो और cosec 90 माइनस theta क्या होता है sec theta होता है ओके अब देखो आप साइन इनटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन कोसेक को क्या लिख करेंगे वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस इनटू कोस कोस का थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन में क्या सेक सेक को लिख करेंगे वन अपॉन कोस थीटा अब इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा पर चलाया sin theta cos theta प्लस इसी तरह से cos का थीटा इनटू sin theta cos ऊपर से बच जाएगा cos theta अब sin theta cos theta दोनों क्या ले लें कॉमन sin theta इनटू cos theta कॉमन लेने के बाद जहां से क्या बच गया sin square theta प्लस इधर से cos का theta और sin का cos का वैल्यू क्या आती है 1 आपके पास क्या जाएगा sin theta इनटू cos theta और यही आपके क्या है राइट हैंड साइड आइडेंटिटी जो भी आप यूज कर रहे हो उनको साइड पे राइट करना है
क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइन 3 थीटा इक्वल कोस थीटा माइनस 6, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। गिवन है देखो साइन 3 थीटा इक्वल कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल। ओके देखो दोनों साइड ऐसा से करें, दोनों साइड चाहे तो साइन साइन बन जाए या फिर कोस कोस बन जाए। अब अपने को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा करें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। चाहे तो साइन को चेंज कर लो या फिर कोस को, दोनों में से एक को चेंज करना है। अपने इसको कोस में चेंज करते हैं, साइन 3 थीटा का प्रयोग करके क्या लाइन करेंगे, cos 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा। बात समझ गए ना, अपन sin 3 थीटा का भी दे डायरेक्ट कर दिया cos 90 माइनस थीटा, 3 थीटा इक्वल क्या है, cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब गिवन है 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर acute angle, so cos से cos अपने लिख करते हैं, क्या बच गया 90 minus 3 theta equal theta minus 6 degree, और theta वाले एक साइड without theta एक साइड, theta इधर लेके आते हैं minus का 3 theta plus के इधर आके minus theta equal minus 6 minus के 90, minus का 3 और minus का 1 minus के 4 theta equal minus 96, minus से minus के सब थीटा इक्वल क्या आ गया 96/4, 24/4 जा 96 और थे कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी कितनी आ गई 24 डिग्री। नेक्स्ट सेक्शन नंबर क्वेश्चन सेम इसी मेथड से गिवन है, sec 5 थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सेम इसी में देखो sec और cosec का पेयर आ गया ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं, एक को चेंज कर लो, इसको क्या लिखोगे cosec 90 माइनस 5 थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, क्योंकि 5 थीटा एंड थीटा माइनस 36 डिग्री आर एक्यूट एंगल, सो क्या हो जाएगा cosec को cosec लीव कर दिया, 90 माइनस 5 थीटा इक्वल क्या आ गया थीटा माइनस 36 डिग्री, वही थीटा वाला एक साइड विदाउट थीटा एक साइड, माइनस के 5 थीटा माइनस का थीटा इक्वल माइनस 36 माइनस 90, माइनस का 6 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 120 और 126, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा इक्वल क्या आ गया 126/6 21, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 21 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 आपका, बहुत बार ये एग्जाम में आता है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब आपको पता है एबीसी क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। We know that sum of
इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल एज 180 होता है, अपने को पता है इंटीरियर एंगल पे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का संकेत होता है 180। सो गिवन है ट्राइंगल एबीसी ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल कितना हो जाएगा 180। अब देखो जो प्रूफ में करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बी प्लस सी एक साथ रख लिया इसमें, तो बी को सी को अपने एक साथ रखेंगे, ए को सेकंड साइड रख जाएंगे। बी सी कैसे रख लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी देखो क्या आ गया 180 माइनस एंगल ए, ए को अपने क्या लेंगे सेकंड साइड लेंगे। ओके अब दोनों साइड क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय टू बोथ साइड बी प्लस सी अपॉन टू, इधर क्या हो गया 180 माइनस ए अपॉन टू, 180 में एक टू का डिवाइड क्या किया 90 और ए में टू का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा ए अपॉन टू। ओके अब देखो एक साइड आ रहा है 10, एक साइड आ रहा है कोट, अपने दोनों साइड पे क्या लेने 10 ले लेंगे, अपने को पता है 10 90 माइनस क्या होता है कोट। अब बो साइड्स टेकिंग बोथ साइड्स 10, दोनों साइड अपने 10 ले लेते हैं, जे बन जाएगा 10 बी प्लस सी अपॉन टू और इधर बन जाएगा 10 90 माइनस ए अपॉन टू। अब अपने बताया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोण थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल 10 90 माइनस को क्या लिख दिया कोण थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन टू, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ओके लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने 16 15 किया वैसे ही सेम, चलो कर लेते हैं इसी को भी। वैसे पढ़े अपनी पास टाइम है अपने पास 18 cos 2 theta इक्वल गिवन है sin 4 theta 2 theta and 4 theta are acute angle, find the value of theta। अब x and cos है, x and sin है, चेंज करो तो cos को चेंज करो तो sin को, दोनों में सेम को चेंज करने हैं वो आप पे डिपेंड है, जरूरी नहीं है आप cos को चेंज करो sin को भी चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है किसको चेंज करना है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल क्या आ गया sin 4 थीटा, क्योंकि sin 90 माइनस क्या हो जाएगा cos, दोनों साइड sin आ गया 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल। सो अब आपने sin को लीव कर दिया तो क्या बच गया 90 माइनस टू थीटा इक्वल फोर थीटा, थीटा एक साइड देखेंगे तो 90 इक्वल क्या आ जाएगा फोर थीटा प्लस टू थीटा, सिक्स थीटा इक्वल क्या आ गया 90, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 90 अपॉन 6, 15 6 जाते हैं कि 19, 15 6 जाके आते हैं 19, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। इसी के साथ आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मींस सेकंड सेवंथ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। रेसिप्रोकल इसमें है नहीं, वो क्या लीनियर इसमें है नहीं आपके पास। अब अपने स्टार्ट करेंगे एट्थ चैप्टर।